brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. जो है ये एक चुनावी सीजन है, चुनावी सीजन में बहुत लोग जो है आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। विजेंद्र जो है वो अपना कहते हैं हरियाणा पृष्ठभूमि जरूर थे, लेकिन वो दिल्ली से चुनाव लड़े थे। लेकिन जो विजेंद्र हैं उनका पिछला चुनाव आप देखो उसका क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, दिल्ली से परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं, मैं कहना नहीं चाहता। क्या वजह मान देखिए वो तो वही बताएंगे। इसमें जो है ये एक चुनावी सीजन है, चुनावी सीजन में बहुत लोग जो है आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग ज्वाइन करेंगे, बहुत लोग किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। विजेंद्र जो है वो अपना कहते हैं हरियाणा पृष्ठभूमि जरूर थे, लेकिन वो दिल्ली से चुनाव लड़े थे। आपने देखा पिछले दिनों में भाजपा के एक मौजूदा सांसद भी हिसार से कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन उन्होंने करी, मगर जो कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं उतनी बड़ी खबर नहीं बन पाती। आप लोग तो उस बात को चलाते हैं, लेकिन जो देश की मीडिया है वो, मैं देश की मीडिया के चैनल्स की बात कर रहा हूँ, मौजूदा सांसद जो थे भाजपा के, वो जब ज्वाइन करा उन्होंने हरियाणा में, वो इतनी बड़ी किसी चैनल में खबर नहीं चल पाई देश में। लेकिन जो विजेंद्र हैं उनका पिछला चुनाव आप देखो उसका क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, दिल्ली से परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं, मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन वो जब ज्वाइन करें तो बड़ी ज़्यादा खबर है, तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। हरियाणा के अंदर एक बात निश्चित है, हरियाणा के अंदर पिछले 1.5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी में 36 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और यहाँ तक कि पूर्व सांसद और अब मौजूदा सांसद भी 36 भाजपा जजपा से कांग्रेस पार्टी में हरियाणा के अंदर शामिल हुए हैं। ये एक बड़ी मैं बड़ा ये आंकड़ा है, और कांग्रेस से कोई एक आधा उदाहरण आपको मिल सकता है। अभी रिसेंटली अर्जुन सिंह जी हमारे पूर्व विधायक जगाधरी के, वो भी जो है ज्वाइन हुए हैं कुछ दिन पहले। भूम सिंह राणा जी ज्वाइन हुए हैं नारायणगढ़ से। तो कांग्रेस में ज्वाइनिंग का क्रम जो है लंबा हरियाणा के अंदर है। ये हरियाणा की धरातल आपको बता रहा है कि हरियाणा में पूरे हरियाणा के एक एक छोर से और हर वर्ग से जो सारे जो ये नेतृत्व है, जो भाजपा छोड़कर, सत्ता छोड़कर, जजपा छोड़कर जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ये आपको ये दर्शाता है कि हरियाणा में धरातल में परिवर्तन की गूंज आ रही है। अच्छा दीपेंद्र जी, आपने सांसद कोटे की बात की थी, वो उनका विषय है, मगर जो है इस पे जो मैंने कहना था दीपक, वो उनका विषय है।